अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या खातिमुन नबीयीन व अला आलिक व असहाबिक या रहमतुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? जी, तो अब पहली नसीहत मेरी आप लोगों को कि अपनी जो तैयारी हैं वो अपनी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एमपीटी एडवर्टाइज हो गया है। और डेफिनेटली कि इस दफ़ा तो जैसे लास्ट टाइम पेपर लिया गया था वैसे तो इजी नहीं होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, लेकिन आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला अपना साबित कदम रहना है, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि आज का मेरा था कि करंट अफेयर, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या चीज़ हमने नहीं पढ़नी। न्यूज़पेपर में बाद वक्त हम कहते हैं कि हमारे सीनियर्स, हमारे समटाइम जो कोचेज, हम कह देते हैं कि जनाब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, डॉन न्यूज़पेपर। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला कि आप लोगों ने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके साथ आप लोगों ने दी नेशन है, दी न्यूज़ है, फर्दर काफ़ी ज़्यादा आपके न्यूज़पेपर्स हैं जो कि आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल को डिस्कस करते रहते हैं। तो मैंने आज मसलन अखबार अपने पास रखा है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर डॉन न्यूज़ आपके पास है, ये इसका फ्रंट पेज है। ये फ्रंट पेज आपने जस्ट देखना कि मेन हेडिंग्स आपकी क्या आ रही हैं, उसमें आपने उसको एग्जामिन करना है कि क्या ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, या ये टॉपिक मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा। समटाइम्स न्यूज़ होती हैं, हम बच्चे सारी सारी डिटेल पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप लोगों ने नहीं पढ़ना। डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में क्या पढ़ना है वो भी बताता हूँ आपको, लेकिन ये जस्ट हेडिंग्स पढ़नी है। थोड़ा सा आ जाएगा करंट, आपको पता चलेगा कि फलां जगह प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं, फलां कोई बंदा आया है हमारे मुल्क में या जा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ें आ, सिर्फ इनको डिस्कस करने के लिए। लेकिन जो पिवट पॉइंट आपने अपने पास रखना है न्यूज़पेपर के लिए, मैंने ये सेपरेट कर लिया, ये कोई पांच या छह पेज नंबर पे होता है, सात नंबर पे, ये जिस एडिटोरियल पेज भी कह सकते हैं, ओपिनियन, ओपिनियन वाला सेक्शन होगा। इनमें ना आपने गौर करना है कि हर दफा ये तीन सेक्शन बनाए हुए हैं, इन तीन सेक्शंस को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। ये ओपिनियंस हैं, ये बेसिकली आपको रिपोर्ट्स देते हैं, ये बेसिकली आपको क्लू देते हैं कि आपका करंट टॉपिक क्या चल रहा है, करंट आपकी सिचुएशन डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रही है, इनको आपने लाजमी रखना है। ये आपके एसे वगैरह और दूसरी चीज़ों के बड़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये जो ओपिनियन आपके पास आ जाता है दोनों पेजेस पे, मैं दोनों पेजेस आपको ओपन कर देता हूँ, ये ऐसे, ये ओपिनियन, ओपिनियन से आपने जब इसको थॉरली रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है, क्योंकि तो न्यूज़पेपर उस टॉपिक को अलाउ करते हैं जो करंट हो, जिसको ज़रूरत हो कि इस पे बहस की जाए। तो वो आपके एक तो करंट जो आपका करंट अफेयर है उसको आपको ये डील करने में आसानियाँ पैदा करेगा, और दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए जो ऐसे वगैरह है वहाँ पे आपको ये काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को है वो कंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करने से पहले आप ये, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपने हाउ टू मेक नोट्स, आपने कैसे नोट्स बनाने, वो आपका ये पॉइंट है। इधर से आपने इन्फॉर्मेशन उठानी है, इन्होंने बकायदा तौर पर इधर लेट्स सपोज किसी ने कहा है कि फ्रांक हमने रिपोर्ट सर्वे है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, एडीबी की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की है, यूनाइटेड नेशन फर्दर सो जो भी हैं उनकी रिसर्च इदारा है, उसने ये रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से पाकिस्तान इतने नंबर पे आ रहा है जुडिशरी सिस्टम में, पाकिस्तान मसलन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उस पर इतने नंबर पे आ रहा है वगैरह वगैरह। आप इस रिपोर्ट को उठा लेना, अपने नोट्स में शामिल कर लेना, उसको वेरीफाई करने के लिए आपने गूगल पर रिसर्च करना, उधर से आपको मुतलका डिपार्टमेंट जो है वो उसको वेरीफाई कर देता है, वो ऑथेंटिक बन जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन, उसको अपने नोट्स का हिस्सा बना दें। फिर वो जब आपने नोट्स का हिस्सा बना लिया, वहाँ पे पेज कंटेंट्स दें कि जनाब हमने ये फलां सेक्शन जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट सबको हमने डील करना है, यहाँ पे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग करना है, यहाँ पे इकोनॉमी के लेवल से करना है, यहाँ पे एजुकेशन एंड फर्दर सो ऑन। फिर जब आपको जरूरत हो मुतलका पेज पे गए, वहाँ से कोटेशन उठाई, अपने ऐसे के अंदर फिट की, ऐसे तैयार कर लिया। ये न्यूज़पेपर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्लियर है जी, आप लोगों ने अब इस चीज़ को देखना है कि आप लोगों ने सारा सारा न्यूज़पेपर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तरफ से बैठ के सारा दिन न्यूज़पेपर पे ही नहीं लगाना। ये सिंपल सी है, जो आपने एडिटोरियल और जो ओपिनियन सेक्शन है ये आपने डिटेल में पढ़ लेना, और जो आपके मेन हेडिंग्स हैं
उनको आपने सिंपल और सिंपल जस्ट गो थ्रू करना है ताकि आपको पता चल जाए कि मुल्क के हालात इस वक्त कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है जी, बाकी जो नोट्स पे एक फर्दर वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह फिर फर्दर मज़ीद भी बनाऊंगा और मज़ीद उस पर लेक्चर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।